सांसद जगदम्बिका पाल पिछली सपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सपा सरकार खुद को किसानों का हितैषी बताती थी, लेकिन प्रदेश में किसानों की फसल की खरीदारी तक नहीं हो रही थी। पिछली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जो अपने को किसानों की सरकार कहती थी, किसानों को गेहूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कभी कीमत पे बिकी नहीं। सिद्धार्थ नगर में 700 मीट्रिक टन की भी खरीद नहीं हुई थी और किसान बिचौलियों को औने पौने दामों पे गेहूं बेचने के लिए बाध्य हो रहा था। इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है। अमित शाह जी ने जो वायदा किया था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1635 रुपया है उस पर किसानों की गेहूँ की खरीद सुनिश्चित करेंगे। पहली बार किसानों को 100% खरीद हो रही है। वो जनपद के किसी भी सेंटर पे अपने गेहूं को बेच सकता है और पूरा पैसा उसके खाते में जा रहा है।